विश्व दिव्यांग दिवस पर इस सर्दी के मौसम में विकलांग एवं मूक बधिर कल्याण समिति ने दिव्यांगों को कंबल और सिलाई मशीनें वितरित किया। समिति ने कहा, दिव्यांगों को सक्षम बनाना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। विश्व विकलांग दिवस पर उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति ने दिव्यांगों को कंबल एवं महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एम ए राहुल ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि दिव्यांगों की पेंशन 3,000 रुपये महीना की जाए। मूक बधिर समिति 22 साल से लगातार दिव्यांगों की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार लोगों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार दिव्यांग अधिनियम के तहत दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। ये दिन समाज और विकास के क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंकज टंडन, अर्पित मल्होत्रा मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है और हमारे द्वारा उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति के द्वारा हर साल दिव्यांग दिवस पर जो है कम्बल वितरण सिलाई मशीन बांटी जाती है। और कम से कम हमको 22 साल से ज़्यादा हो गए ये काम करते करते, और हम ये समाज सेवी हैं। जब तक जीवित रहेंगे एक उनका कचरा दिव्यांग भाइयों के काम होगा, उस उद्देश्य से अपने काम किया है, वो काम करते रहेंगे। आज जो है हम तो सरकार से मांग करेंगे कि हमारे दिव्यांगों की पेंशन 3,000 रुपये होनी चाहिए, जो मात्र 1,500 रुपये 1,500 रुपये से गुजारा होता नहीं है। इसी उद्देश्य से हम सरकार से लगातार मांग करते रहते हैं। आज दिव्यांग दिवस पर जिले के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं होता है, हमेशा काशीपुर के अंदर हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।